Hello everyone, I'm Dr. Sandhya Gaur. I'm a retina specialist at I7 Hospital, Lajpat Nagar. Ek disease ke baare mein hum baat karenge, which we call retinitis pigmentosa or RP, as aapne suna hoga, theek hai? To jo RP hai, retinitis pigmentosa, ye ek genetic bimari hai. Genetic matlab jo parents se bachchon mein aati hai, family mein jaati hai. तो इस बीमारी में जो हमारा रेटिना होता है, यानी कि जो पर्दा होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है आई का, तो उसको रेटिना कहते हैं, पर्दा. तो उसमें कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ सेल्स होती हैं, जो जैसे कि रॉड्स होती हैं, कोन्स होती हैं. तो इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं. जैसे कि रॉड्स जो है वो नाइट विजन में, रात में देखने में हेल्प करती है, और जो कोन्स होते हैं वो कलर्स देखने में हेल्प करती है, कॉन्ट्रास्ट देखने में हेल्प करता है. तो इस बीमारी में दोनों फोटो रिसेप्टर्स, यानी कि रॉड्स और कोन्स, डैमेज होने लगते हैं. यूजुअली ऐसा होता है कि पहले रॉड्स डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से हमें साइड का जो विजन होता है हमारा, वो कम होना शुरू हो जाता है. तो ये चाइल्डहुड से ही शुरू होता है और अडल्टहुड तक प्रोग्रेस करता रहता है, यानी कि 40-45 की एज तक बढ़ता रहता है, और धीरे धीरे एकदम टनल विजन आ जाता है, यानी कि आपको बस बीच का छोटा सा पोर्शन दिखता है, साइड का आपको देखने में प्रॉब्लम होती है. ये जो बीमारी होती है ये जेनेटिक होती है, जैसे मैंने बताया, और ऐसा देखा गया है इसका इंसिडेंस जो होता है काफ़ी रेयर होता है, यानी कि 4,000 लोगों में एक को ये बीमारी होती है. और अगर आरपी के पेशेंट्स हैं तो 50% पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री ज़रूर होती है, मतलब उनके फादर या मदर या ब्रदर सिस्टर को ये बीमारी होती है. इस बीमारी में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया जो सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें हमें वैसे नॉर्मली भी हमको पर्दे की जाँच हर साल एक बार करानी चाहिए. आरपी के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम उनका पर्दा चेक करते हैं, तो पर्दे में हमें कई सारे डार्क स्पॉट्स दिखते हैं. दूसरा, हम उनका एक विजुअल फील्ड का टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि उनका साइड का विजन, विजुअल फील्ड डैमेज हो रहा है. तीसरा, हम इसमें एक टेस्ट और कर सकते हैं जिसे ERG कहते हैं, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी. तो इसमें हमें ये पता लगता है कि जो पेशेंट का जो पर्दा है वो लाइट को कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है. और चौथा, तो जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं. इसमें हम पेशेंट से DNA सैंपल लेते हैं और उसका जेनेटिक टेस्ट करते हैं लेबोरेटरीज में. तो उसमें हमें ये पता लगता है कि हाँ, RP वाला जीन में प्रॉब्लम है, यानी कि बीमारी RP है. इस बीमारी में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बताया विजन लॉस हो सकता है, विजुअल फील्ड लॉस हो सकता है. इसके अलावा कभी कभी पर्दे में सूजन आ सकती है, जिसे मैकुलर एडिमा, यानी कि पर्दे की सूजन कहते हैं, बीच वाले पर्दे के हिस्से की, या फिर पर्दे के ऊपर झिल्ली आ सकती है. तो इस केस में अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर को लगता है कि बीच वाले पोर्शन में स्वेलिंग है, सूजन है, तो हम उसमें कुछ मेडिसिंस दे सकते हैं, जैसे कि एसिटाज़ोलामाइड होता है, डॉर्जॉक्स आई ड्रॉप होती है, या फिर हम इसमें कुछ इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं. और अगर इसमें जैसे झिल्ली बन गई है पर्दे की, तो हमें हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े, जो कि बहुत रेयर होता है. दूसरा, इस बीमारी में कभी कभी लोगों को, पेशेंट्स को, फोटोफोबिया भी होता है, यानी कि लाइट बहुत ज़्यादा लगती है, चौन लगती है. तो उस केस में हम उन्हें फोटोक्रोमिक ग्लासेस दे सकते हैं, जो उनको सनलाइट में चलने से प्रोटेक्ट कर सके. और कभी कभी क्या होता है कि जो यूवी लाइट होता है वो पर्दे को डैमेज करने लगती है, तो उससे प्रोटेक्शन हो जाती है विद सनग्लासेस. पर इसका कोई क्योर नहीं है, डेफिनेटिव क्योर अभी तक नहीं है, बट वी आर होपफुल. हमें लगता है कि 1-2 साल में इसका क्योर आ सकता है. हालांकि इसमें कई रिसर्च चल रही है. US में एक नया इम्प्लांट आया है, जिसे हम ARGUS-II कहते हैं, ARGUS-II इम्प्लांट. वो क्या करते हैं कि उस इम्प्लांट को पर्दे में सेट कर देते हैं और एक ग्लासेस पेशेंट को देते हैं, जिसमें कैमरा होता है. तो वो कैमरा और जो उसका प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो पर्दे में अटैच कर देते हैं. तो उससे क्या होता है कि वो इमेजेस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और पेशेंट को ये पता लगता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, यहाँ पे कोई बैठा है. इस तरह से वो चीज़ काफ़ी हद तक सही हो जाती है. बट इंडिया में अभी तक इसका लॉन्च हुआ नहीं है, बट आने वाले समय में ऐसी उम्मीद है कि ये इम्प्लांट आ सकता है. इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे विटामिन ए टैबलेट्स दे सकते हैं. बट वही है कि साल में एक बार आपको आना है, चेक कराना है. अपनी फैमिली में अगर आपके कोई आरपी का पेशेंट है, तो उसको अपनी फैमिली की पूरी, लोगों की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, उनके पर्दे की जांच करानी चाहिए, चाहे उनको कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं है. एक बार बस लेके हम उनके पर्दे की जांच करके हम ये देख सकते हैं कि आरपी वाली प्रॉब्लम इनमें आ रही है या नहीं आ रही है. तो ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं, जिससे वो मेंटली प्रिपेयर हो सकें आगे के लिए, या फिर हम पहले से कोई ट्रीटमेंट शुरू कर सकें. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं जब भी आप आते हैं आरपी के पेशेंट को. इन समरी अगर हम बोलें तो आरपी का जो पेशेंट है उसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए. अपनी फैमिली की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, अपने पर्दे की जांच करानी चाहिए हर साल एक बार,
ठीक है, जिससे कि अगर पर्दे में सूजन हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, तो उसका ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकें। आरपी के पेशेंट स्पेक्स रिमूवल सर्जरी डेफिनेटली करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आरपी के पेशेंट्स में जैसे पर्दा जो है वो विजुअल फील्ड बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, केवल साइड से थोड़ा सा पेरिफेरल, वो तो हमें टेस्ट में पता लगेगा। तो अगर हमें टेस्ट में ऐसा पता लगता है कि साइड का विजुअल फील्ड थोड़ा सा डैमेज है बट बीच का रोशनी ठीक है और पेशेंट जो है वो ग्लासेस के साथ पूरा 6-6 पड़ रहा है, तो डेफिनेटली हम करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बस ये है कि चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा बाकी, लेकिन पर्दे में जो चेंजेस रहेंगे वो तो होते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। चेंजेस आपके चलते रहेंगे पर्दे में, बस आपको चेक कराते रहना है जैसे बताया, लेकिन सर्जरी डेफिनेटली करा सकते हैं, वाई नॉट। अगर कोई आरपी का पेशेंट है और उसका नंबर बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली करा सकते हैं सर्जरी। तो जैसे कि हमने बताया कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में रॉड्स जो हैं वो पहले डैमेज होती हैं, और रॉड्स का जो काम होता है वो रात में देखने में हेल्प करना होता है। तो जब रॉड्स डैमेज होती हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस तो डेफिनेटली होती है। सबसे पहला सिम्टम ही यही होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि रात में देखने में प्रॉब्लम हो रही है, शुरू ही वहाँ से होता है, फिर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, फिर बाद में आते आते जब कोन्स भी डैमेज होने लगते हैं तो पेशेंट्स को लगता है कि दिन में भी प्रॉब्लम आ रही है, बीच की रोशनी में प्रॉब्लम आने लगी है, कलर्स में प्रॉब्लम आने लग गई है, फाइन चीज़ें देखने में प्रॉब्लम आने लग गई है। तो डेफिनेटली नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो सबसे अर्ली सिम्टम होता है, हालांकि बहुत सारे पेशेंट्स उसको इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, बट ये डेफिनेटली होता है। और ड्राइविंग में प्रॉब्लम इसलिए होती है, स्पेशली नाइट ड्राइविंग में, एक तो रात में देखने में प्रॉब्लम होती है नाइट ब्लाइंडनेस में, वैसे भी लाइट्स बहुत लगती हैं क्योंकि फोटोफोबिया होता है पेशेंट्स को, तो दोनों चीज़ें ड्राइविंग में डेफिनेटली डिफ़िकल्टी करती हैं पेशेंट्स में। तो जो ये विजन लॉस होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसका कोई रूल नहीं है कि कितने साल में, 10 साल में या 5 साल में विजन जाएगा। तो जो नॉर्मली हम देखते हैं ट्रेंड वो ये होता है कि 40 ईयर्स तक ये धीरे धीरे ग्रेजुअली जाता रहता है, एंड आफ्टर 40, बचपन चाइल्डहुड से शुरू हो जाता है, 10 ईयर्स 11 ईयर्स से शुरू होके 40 ईयर्स तक ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। एंड 40 ईयर्स पे कुछ लोग काफ़ी हद तक पेरिफेरल विजन उनका चला जाता है, बट कुछ लोगों का ठीक भी रहता है, तो ये वेरी करता है। तो देखा जाए तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने ईयर्स में जाएगा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के जो पेशेंट्स होते हैं वो बाकी रेटिना के बीमारियों के ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल पेशेंट्स लेते हैं। अगर पर्दे में कोई और बीमारी होती है तो उसका ट्रीटमेंट जैसे नॉर्मली होता है वैसे हो सकता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट्स में भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी, एंड आई विल बी बैक अगेन विद सम न्यू टॉपिक रिलेटेड टू रेटिना।